कोटा जिले के सुल्तानपुर कस्बे में यहाँ रखते फेरु जी मंदिर परिसर में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी व मातृशक्ति संगठन की जिला समिति की बैठक यहाँ विभाग उपाध्यक्ष कृष्ण मुरारी यादव की अध्यक्षता में गुरुवार को आयोजित की गई। बैठक में मुख्य रूप से आगामी धार्मिक कार्यक्रमों, रामनवमी, हनुमान जन्मोत्सव के साथ ही दुर्गा अष्टमी पर विभिन्न धार्मिक यज्ञ आयोजित करने को लेकर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। इस मौके पर समिति कार्यकर्ताओं ने बताया कि भारतीय संस्कृति की पहचान धार्मिक कार्यक्रमों से ही होती है और प्रत्येक हिंदू का दायित्व है कि वो भारतीय संस्कृति को बचाए रखे। उन्होंने पाश्चात्य संस्कृति से दूर हटकर भारतीय संस्कृति की ओर अलख जगाने की युवाओं से अपील भी की। बैठक में मुख्य वक्ता के रूप में बजरंग दल के विभाग संयोजक योगेश रेनवाल, सह सुरक्षा प्रमुख नंदलाल प्रजापति तथा विभाग संगठन मंत्री विश्व हिंदू परिषद के जितेंद्र कुमार नागर ने हिस्सा लिया। विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री इंद्रराज मीणा ने बताया कि बैठक में मुख्य रूप से 31 मार्च को सुल्तानपुर कस्बे में आयोजित होने वाले विशाल कटार धारण दंड धारण कार्यक्रम को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने बताया कि 31 मार्च को सुल्तानपुर कस्बे के विजय वीर हनुमान मंदिर से हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इससे पूर्व यहां पर हजारों की संख्या में दंड धारण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसके बाद जुलूस यहाँ सुल्तानपुर गोंड मंडी यार्ड से शुरू होकर सीडी परिसर पहुंचेगा, जहां हिंदू सभा का आयोजन किया जाएगा। हिंदू सभा में मुख्य वक्ता के रूप में मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी की राष्ट्रीय सह संयोजिका यज्ञा जोशी व मुख्य वक्ता के रूप में कोटा प्रांत उपाध्यक्ष प्रताप सिंह नागदा हिस्सा लेंगे। इस मौके पर पोस्टर विमोचन का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें सभी पदाधिकारियों ने पोस्टर विमोचन किया और सभी को कार्यक्रम के लिए अधिक से अधिक संख्या में प्रचार प्रसार कर गांव-गांव से युवाओं को संगठन से जोड़ने तथा अपने धर्म के प्रति जागरूक करने की अपील भी की। इस मौके पर मातृशक्ति की जिला संयोजिका मनोरमा नागर, सह मातृशक्ति संयोजिका गायत्री सोनी, सत्संग प्रमुख सरोज पारिक, बजरंग दल संयोजक बनवारी गोड़, सह जिला मंत्री रामेश्वर राठौर, रवि स्वामी, नरेश नरुका, महावीर मीणा, हरिशंकर मेघवाल, लड्डू मीणा समेत इटावा व दिगो तहसील क्षेत्र के कार्यकर्ता मौजूद थे।